मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपात्तमहं वंदे परमानंदमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृंदारण्यपुरंदरं श्रीगोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसित नलिनाशियं सुरं मंदहासियं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम गोपी कुमारं। ये भक्तों की खास बात है जीव की दया। किसी भी प्राणी पर भक्त निर्दय नहीं होता। दूसरों के दुख से सुख उठाना ये तो भक्त की कल्पना से परे की चीज है। दूसरों का दुख भक्त के हृदय को द्रवित कर देता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। तो दूसरे के दुखों को नहीं देख सकते। तो जियो प्रश्न कोई बड़ी भारी दया करके धर्म किया है तभी तो आप संतुष्ट हुए, नहीं तो भला आपके चरण कमल किस प्रकार से प्राप्त हो, आपकी प्रसन्नता का उपाय यही है। और बोले महाराज सब कृपा आपने की, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि महाराज ये कौन सी साधना का फल है। कृपा तो आपकी प्राप्त हुई, ये तो पर सम्मान का, मान त्याग का, दया का, धर्म का फल, ये तो तप का फल, परंतु आपके चरणों की धूल का स्पर्श हो गया ये किस साधना का फल है। मैंने वो कहती कि आपके चरणों के रज तो इतनी दुर्लभ हैं। एक कथा आती है पुराणांतर में कि लक्ष्मी देवी ने युगों तक तपस्या की कि हम भगवान के चरण कमलों का रज प्राप्त करें। कल्पों तक तपस्या करने के बाद भोगों का सर्वथा त्याग करके और नियमों का संयम का पालन करते हुए लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ी, तब कहीं आपकी चरण रज उसे प्राप्त हुई। इसने तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो ये तो भोगों में रात दिन निरत रहा। तो महाराज ये कौन सा फल मिल गया इसको, कौन सी साधना का, ये समझ में नहीं आया। अब उनके मन में भावना जागी कि भाई उन प्रेमियों की बात क्या कहें जो भगवान के वास्तव में प्रेमी जन है, जो भगवान के चरणों की संग लेते हैं, ये पाद रज प्रपन्ना है। जो लोग भगवान के चरण धूल की संग ले लेते हैं वे लोग कुछ चाहते हैं क्या। ये श्लोक, इस प्रकार के श्लोक जो है प्रकारांतर से कुछ कुछ भेद से भागवत में 7-8 जगह आए। तो वो कहते हैं कि भगवत प्रेमी जन, भगवत चरणारविंद के शरणागत महापुरुष, भगवान के प्रति ही जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे लोग महाराज क्या बतावें, संसार के भोगों की तो कोई तुलना ही नहीं, इनकी तो कोई गणना ही नहीं, इनकी कोई बात ही नहीं, इनकी तो कल्पना ही नहीं। यदि इन्हें कहा जाए कि तुम स्वर्ग का राज्य ले लो, इंद्र बना दिए जाओ और इंद्र बनी रहो हमेशा, तो नहीं लेते। सार्वभौम और पृथ्वी की सार्वभौम बादशाही सम्राट पद दिया जाए उनको कि सारे भूमंडल के सम्राट हो जाओ एक छत्र, तो नहीं चाहते। न पारमेश्वर, कोई कहे कि बेचा आप ब्रह्मा बना दिए जाए, ब्रह्मा का पद आप स्वीकार कर लें, नहीं स्वीकार करते। और नरसाधिपत्यम, पाताल का राज्य दिया जाए उनको, तो नहीं लेना चाहते। न योग सिद्धि ही,
मामूली मामूली सिद्धियों के लिए आदमी लड़ाईत रहता है, सफलता मिल जाए जीवन में। योग सिद्धियां अगर दी जाए उनको तो नहीं लेते। और महाराज अधिक क्या कहें, अपुनर्भवम वा, अपुनर्भव मोक्ष, कैवल्य मोक्ष, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर लौटना नहीं होता, जन्म नहीं होता, इस प्रकार का मोक्ष ये दिया जाए तो न वांछन्ति, वो नहीं चाहते, नहीं स्वीकार करते। ये यहाँ पर प्रेमियों की ये नागपतियों के द्वारा भगवान ने स्थिति सूचित की कि भाई भगवान के अगर प्रेमी बनना चाहते हो, भगवान के चरणों में यदि अपने को समर्पित करना चाहते हो तो भोगों की गुलामी से अपने को मुक्त करो। केवल यही के भोग नहीं, पाताल राज्य के भोग, स्वर्ग के भोग, दिव्य ब्रह्मा के पद के भोग, इंद्र के भोग, और वो कहते हैं कि भाई छुटकारा प्राप्त हो जाए बंधन से, ये भी सुख की आकांक्षा ही है ना, तो मोक्ष भी एक भोग ही है। इसलिए प्रेमी जन जो हैं ये भोग मोक्ष का साथ नाम लिया करते हैं। न मोक्ष आकांक्षा न विभव वांछा पिचनम, ये शंकराचार्य ने कहा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति और मुक्ति की स्प्रिया, पिशाची जब तक हृदय में रहती है तब तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं होता। तो नाग पत्नियां कहती है भगवान, जो भगवत प्रेमी जन हैं वे आपके चरण रज को छोड़ करके वे नहीं चाहते किसी और वस्तु को, न पाताल का राज्य, न स्वर्ग का राज्य, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम राज्य, न पुनर्भव मोक्ष, न योग की सिद्धि, कुछ नहीं चाहते। वे तो केवल और केवल आपके चरणों की ही निरंतर अनुरक्ति चाहते हैं, चरणों में प्रीति बनी रहे, चरणों का प्रेम बना रहे, फिर चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, कहीं भी जाए। तो बोली तो देशनाथाप दुरापमन यमो जन क्रोध बशोक ही शाम संसार चक्रे भ्रमत शरीरिणो विदिक्षत साध्य समक्ष नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणि अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वादिपदृष्टे कतत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धियाशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गुणस्वात्मानुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्यते नाना वादानुरोधाय वाच्य वाचक शक्तये नम प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमम नम कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नायानुरुद्धाय सत्वताम पतये नमः नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्तिपलक्षाय गुणदृष्टे स्वसंवदे अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमोऽस्तु नमस्तेऽस्तु मुनये मौन शाशीरिणे परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय च दृष्टे च हेतवे। स्तमन करने लगी, बोली भगवान आपके चरणों में हम प्रणाम करती हैं, आप अनंत और अचिंत ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं, समुद्र हैं, खजाने हैं, आपके आप सबके अंतकर्म विराजमान हैं, तब भी आप अनंत हैं, आप समस्त प्राणियों के सारे पदार्थों के आश्रय हैं, और वो पदार्थ भी आप ही हैं, आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं, सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के आप भंडार हैं, आपकी महिमा और आपकी शक्ति भगवान अनंत है, आपका स्वरूप सामिश कृष्ण स्वरूप है, ये निर्गुण निर्विशेष की स्तुति नहीं है। वो कहते हैं आपका स्वरूप अप्राकृत है, ये पांच भौतिक शरीर नहीं, दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक है, गुणों और विकारों का स्पर्श आपसे नहीं होता, आप स्वयं ब्रह्म है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले स्वयं काल हैं, आप काल शक्ति के स्वयं आश्रय हैं, और काल के क्षण कल्प आदि जो सारे अवयव हैं इनके साक्षी अभी आप ही हैं, आप विश्वरूप होते हुए भी और इससे अलग इसके दृष्टा हैं, आप इसके बनाने वाले तो हैं ही, पर बनने वाले भी आप हैं, अभिनिमित्तोपादान कारण, कुम्हार घड़े को बनाता है मिट्टी अलग और बनाने वाला अलग,
तो यहाँ वो कहती हैं कि बनाने वाले भी आप ही और बनने वाले भी आप ही। ये प्रभु ये पंचभूत तन्मात्राएं इंद्रियां प्राण मन बुद्धि और इन सब का खजाना ये चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने अपने को छिपा रखा है। गूढ़ है गूढ़ स्वात्मा अनुभूत है। आप देश काल वस्तुओं की सीमा से बहिर्गत हैं, बाहर हैं, अनंत हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। समस्त कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी आप एक रस विकार रहित और सर्वत्र स्थित हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप क्या हैं और क्या नहीं ये लोग अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं और सभी लोगों को उनकी अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप आपके दर्शन होते हैं। सारे अर्थों सारे शब्दों के अर्थ तो आप ही हैं, शब्दों के रूप भी आप ही हैं और दोनों का संबंध जोड़ने वाली जो शक्ति है वो भी आप हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। ये जितने भी प्रमाण हैं, नम प्रमाण अंगुराय प्रत्यक्ष अनुमान, जितने भी प्रमाण हैं सारे प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। सारे शास्त्र आपसे निकले हैं। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, स्वरूप भूत है। आप में मन को लगाने की विधि के रूप में और हटा लेने की आज्ञा के रूप में जो शास्त्र हैं, विधि निषेध रूप, ये करो या न करो, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये सारे के सारे आप में ही हैं। वेद के मूल भी आप हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चतुर्व्यूह रूप में भी आप ही हैं। आप भक्तों के सत्वताम पते नमन, आप भक्तों के और यादवों के स्वामी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतकरण उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। उन्हीं के द्वारा आप अपने आप को ढक रखते हैं। जब अंतकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ भी संकेत मिलता है, आप उन गुणों और वृत्तियों के साक्षी हैं। स्वयं प्रकाश हम आपको नमस्कार करते हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते हैं और सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। आप आत्मा राम हैं। आप सर्वथा मौन हैं। आप ही बोलते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म सारी गतियों के जानने वाले आप हैं। ये नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच में सारे निषेध की अवधि और उसके अधिष्ठान होने के कारण आप ही विश्व रूप हैं। आप विश्व के अध्यास भी आप हैं और आप विश्व के अपवाद के साक्षी भी आप हैं। अज्ञान के द्वारा सत्य की भ्रांति ये भी आप में ही होती है और स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति भी आपसे ही होती है। हम आपको नमस्कार करते हैं। तम यस्य जन्म सिद्ध संयमान प्रभो गुणगिरणी हो कृत काल सिद्धिधर तत्स्वभावान प्रतिबोधयन सतम समीक्षया मुख विहारयसि तस्यैव नेते तन्वस्त्रिलोक्यां शांता शांता उत मूढ़यो नमन शांता प्रियास्ते यदा विद्वितुं सता सातुष्टे धर्म परीप्सयता। भगवान आपने कर्ता पर नहीं, आप कोई कर्म नहीं करते, आप निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके आप ही प्रकृति के गुणों के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी करते हैं। आपकी लीलाएं अमोघ हैं, सत्य संकल्प हैं आप। इसीलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं, जगत बन जाता है। इस संसार में तीन प्रकार के योनि, सत्वगुण प्रधान योनि, रजोगुण प्रधान योनि और तमोगुण प्रधान योनि, ये सब भी आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी आप सत्वगुण प्रधान जो संत जन हैं, वो आपको विशेष प्रिय हैं। आपका अवतार आपकी लीलाएं ये साधुओं की रक्षा और धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए होती हैं। यहाँ तक उन्होंने तत्व का निरूपण किया। हम लोग इस तत्व को समझते नहीं, इसलिए इनका केवल अर्थ मात्र ही सुन लेना और कह देना उचित है। अब बोली वो अपराध सकृत भर्त्रा सोढ़भ्य सुप्रजाकृत क्षंतुम अर्हसि शांतात्मन मूढ़स्य त्वाम जानतः अनुग्रहणीश्व भगवन् प्राणाख ज्योति पन्नगः स्त्रीणाम साधु शोचानाम पति प्राण प्रदीयताम विधेयते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया निच्छ्रद्धया अनुतिष्ठन वै मुच्यते सर्वतो भयात। हृदय उनका अत्यंत दीनता से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली,
भगवान की महिमा भी उनके हृदय में प्रकट हो गई, भगवान की कृपा भी उनको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी, भगवान के चरण स्पर्श प्रसाद को प्राप्त करने वाले काली नाग का भाग्य महात्म भी उनके सम्मुख जाग उठा। विविध भावों से वो अपने हृदय को परिप्लुत करती हुई बोली दीनता के साथ की शांतात्मन, स्वामी को अपनी प्रजा का अपराध फिर भी सह लेना चाहिए। ये मूर्ख है, ये आपको पहचानता नहीं, इसने आपको जाना नहीं, बिना जाने इसके द्वारा यह अपराध हुआ। गर्वोन मत था न, जब मनुष्य में गर्व भर जाता है उस समय वो भूल जाता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भगवान ये भूला हुआ है, और भूला हुआ हमेशा दया का पात्र होता है। ये बड़ा सिद्धांत का एक निरूपण है। हम जो दूसरों पर क्रोध करते हैं और दूसरों को अपना बुरा करने वाला मानते हैं, या हम बड़ी भूल करते हैं। किसी का बुरा, किसी का अहित उसके अपने कर्म के बिना कभी संभव नहीं। कार्य पीछे होता है, कारण पहले बनता है, और कारण दूसरा बने और उसका फल दूसरे को मिले ऐसा न्याय नहीं है। तो हमको जो कभी दुख मिलता है, संकट मिलता है, कष्ट मिलता है, विपत्ति मिलती है, वो मिलती है हमारे ही कर्म के फलस्वरूप, और वो मिलती है हमारे कर्म का ऋण उतार देने के लिए, वो मिलती है हमारे मंगल के लिए, उसमें भरी हुई है भगवान की कृपा। पर हम मान लेते हैं कि अमुक आदमी ने इसमें कारण बन के हमको कष्ट पहुंचाया, उसके प्रति हम द्वेष करते हैं, क्षमा नहीं करते। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भाई क्षमा हम कैसे करें, ये तो क्षमा करने की बात भी वास्तव में तुम्हारे हित के लिए कही जाती है। तुम क्षमा करो न करो और ज्यादा अपराध करते रहो, किसी को दोषी मानकर उसके प्रति द्वेष करके उसको उसका प्रतिशोध देना, बदला लेना और उसको उसका दंड भुगताने का मनोरथ करना और प्रयत्न करना, तो ये स्वयं नया पाप करना है। तो क्षमा न करके तुम नए पाप का भले अपने अंदर संग्रह कर लो, यदि उसका कर्म उसके लिए बुरा फल देने वाला नहीं है तो तुम उसे बुरा फल दे नहीं सकते। दंड विधान है न्याय में, उनका मूल इसी को लेकर के चलता है कि इनके द्वारा अपराध होने बंद हो जाएं, इन्हें बदला मिले। ये दुर्भावना नहीं है न्याय के मन में। तो ये कहती है दंड दिया आपने सो ठीक, दंड देना ही चाहिए, और दंड देने में भी आपकी कृपा ही है, हम तो उसको कृपा मानते हैं, परंतु भगवान ये भूला हुआ है, ये भूला हुआ है, मूढ़ है, मूढ़स्य त्वाम जानतः, इसने भगवान को पहचाना नहीं, तुमको जाना नहीं, तुम्हारा सारा मंगलमय विधान है ये इसने समझा नहीं, और ये मूढ़। मूढ़ कौन है? जो भगवान का आश्रय न करके भोगों का आश्रय करे, वो चाहे अपने को परम बुद्धिमान मानता, वो मूढ़ है। और जिसको लोग मूढ़ कहें, जड़ भरत को उसका नाम जड़ बना इसीलिए कि उसमें लौकिकता की बुद्धि होने पर भी उसने लौकिकता को छिपाया रखा था। तो सब लोग कहते जड़ है, मूर्ख है, तो जड़ भरत नाम पड़ गया उसका, मूर्ख लोग कहने लगे, मूर्ख नाम बन गया उसका, मूर्ख मूर्खाधिराज। तो ये कहने लगी कि महाराज ये मूर्ख है, इस मूर्ख ने जीवन का असली लाभ समझा नहीं, असली चीज जानी नहीं, जीवन में क्या करना चाहिए इसने पहचाना नहीं, दंड देकर के आपने सावधान किया, बड़ा अच्छा किया, पर इसके अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान तो क्षमा ही करते हैं। भगवान यदि कभी दंड देते रहते तो कर्मों से कभी छुटकारा मिलने का अवसर ही नहीं आता।
भगवान के न्याय में दया भरी हुई है। उनका विधान जहाँ बिना भोग के कर्म का क्षय नहीं होता, वहीं ये विधान है कि मेरे शरण में जो आ गया उसके सारे पापों का नाश मैं कर दूंगा, ये भी भगवान का विधान है। तो किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी ये न समझे कि मैं साधनाहीन हूँ, मेरे में पाप है, मेरे में अंधकार है, भगवान तो अपनाएंगे जो अधिकारी है उनको, मुझको कैसे अपनाएंगे, ये कभी न समझे। हमारी साधना के मूल्य में क्या भगवान मिलते हैं? किसी के पास ऐसा कोई साधन बल है क्या कि वो कीमत दे के भगवान को खरीद ले? और क्या कोई भी अंधकार इस प्रकार का प्रबल है जो कह सके कि मैं सूर्य को के सामने अंधेरा कर दूंगा? तो भगवान की कृपा में जो बल है, हमारे पापों में वो बल नहीं है। हमारी अयोग्यता, हमारी पापमयता, हमारी दीनता, ये भगवान के अमित अनंत दया सागर में और भी ज्यादा लहर लाने वाली होती है। तो किसी को निराश नहीं होना है, किसी को ये नहीं समझना है कि हमें भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो हमारी संपत्ति है, भगवान हमारी चीज है, बस केवल हम भगवान को चाह भर लें तो जल्दी मिल जाते, न चाहने वाले को भी मिलेंगे ही। जिसका संपर्क हो गया है, अरे इन नाग बधुओं से नाग का संपर्क हो गया, इन बधुओं ने, नाग पत्नियों ने नाग को मिला दिया भगवान से, तो किसी प्रकार से भी निराश न हो। वो कहती हैं अपने मन में, तो उनके आया कि निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमारा स्वामी मरेगा भी नहीं इस समय, और हमारे स्वामी के अब तक के सारे पाप श्री श्याम सुंदर के चरण स्पर्श अमृत से सारे के सारे नष्ट हो गए, धुल गए। अब तो ये भगवान के प्रपन्न हो गया, भगवान के चरण टिक गया ना इसके फनों पर, अब इसका अशेष मंगल हो गया, ये जीवित भी रहेगा और ये जीवित अशरीर रूप में भी होगा। एक है जीवन मृत, जीते हुए मुर्दे के समान भगवान की ओर न लगने वाले, वो जिंदे ही मरे के समान है, उनका जीवन व्यर्थ है। तो इसका जीवन व्यर्थ नहीं रहेगा, ये तो बिल्कुल अब भगवान को पा करके, भगवान के चरणों को पा के निहाल हो गया, होगा क्या, ये विष रहित हो गया, दूसरों को सताने वाला नहीं रहेगा, अब ये निर्भय और निर्भय करने वाला बनेगा, इसे दुड़ का भय भी नहीं रहेगा, ये स्वयं निर्भय हो गया, सबको ये निर्भय करने वाला हो गया। क्यों? कि निर्भय पदारविंद इसे प्राप्त हो गए। तो भगवान के अभय पदारविंद जिसको प्राप्त हो जाते हैं, वो स्वयं निर्भय होता है और जगत को निर्भय करने वाला होता है, वो स्वयं तर गया और जगत को तारने वाला होता, तरन तारण बन जाता है वो भगवान के चरणों का आश्रय। तो इसलिए नाग पत्नियों का विश्वास हो गया कि अब न तो हमारा पति ये मुमूर्षु दिखता है पर मरेगा नहीं, साथ ये जान गई नाग पत्नियां कि अब ये विष रहित हो गया, पवित्र हो गया, मनुष्य के जीवन में से विष निकल जाए, भोगाकांक्षा निकल जाए, तो भोगाकांक्षा जहां निकली वहीं सारे के सारे भोगाकांक्षा से उत्पन्न जो उसकी संतति है वो सब निकल जाती, कामात क्रोध हो जाए थे, क्रोध पैदा होता है काम से, लोभ पैदा होता है काम से, जहाँ कामना नष्ट हुई कि सारे दुर्गुण दुराचार नष्ट हो गए। तो विश्वास हो गया, तब भी वो अपनी भाषा में सती स्त्री है ना, तो भगवान के अंदर दया जगाने की भावना से मानो वो कहने लगी, अंगुनिश्व भगवन प्राणा सृजति पन्नगः स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। भगवान हमारे पति के प्राणों को बख्श दीजिए आप, है? ये महाराज हम अबला हैं, जो साधु पुरुष हैं वे सदा ही अबलाओं पर स्त्रियों पर तो दया करते ही आए हैं, ये उनका स्वभाव है, तो आप कृपा करके हमारे प्राण स्वरूप जो हमारे पति देव हैं इन्हें लौटा दीजिए, दे दीजिए। भगवान विदेही में किंकरी नाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया निच्छ्रदयानुतिष्ठन वही मुच्यते सर्वतो भयात। हम आपकी किंकरी,
हम आपकी दासी हैं, आप हमें बताइए हम क्या सेवा करें। भगवान को किसी सेवा की आकांक्षा नहीं है, वो तो सच पूछिए तो सारे जगत को अपनी सेवा दे रहे हैं। उनकी कृपा से, उनकी प्रदत्त सामग्रियों से, तो सामग्री रूप बने हुए उनके द्वारा ही सारा जगत संवर्धित सेवित होता है। परंतु भक्त चाहता ही है कि भगवान की सेवा हमें मिले, और जहाँ प्रेमी जन भगवान की सेवा करना चाहता है वहाँ भगवान के अंदर भी सेवा प्राप्त करने की कामना जग उठती है, भगवत रूप की कामना। इसीलिए किसी के द्वारा सेवा नहीं करवाने वाले भगवान पर कराते तो एक किलो दे देते हैं। भगवान से किसी ने बदला न पाया हो ऐसा कोई सेवक संसार में नहीं है। दिया क्या और पाया बहुत ज्यादा है। भगवान जो देते हैं वो देते हैं अपनी हैसियत से, हम देते हैं अपनी हैसियत से। अरे किसी बहुत बड़े किसी सम्राट के पास कोई जाए जहां पर हल्की चीज है ही नहीं, तो देने वाला लेके जाएगा बड़ी हल्की चीज, उसके पास वही है। पर अगर वो लेने वाला संतुष्ट होगा तो वो देगा अपनी हैसियत की चीज ना, वो हल्की लाएगा कहां से। तो भगवान जिसको जो देते हैं वो अपने अनुरूप देते हैं, इसलिए वो महान होती है वस्तु। लेकिन बदला उतार देते हैं, पर जो प्रेमी सेवक जन हैं उनका बदला भगवान नहीं उतार सकते, उनके ऋणी बने रहते हैं। तो ये ब्रज भक्तों की बात यहाँ चल रही है ना, तो ब्रज भक्तों के, ब्रज प्रेमियों के तो भगवान ऋणी हैं, इनका बदला भगवान उतार नहीं सकते। क्यों? ये देते ही देते हैं, लेते नहीं। तो इसलिए चाहते हैं कि भी सेवा कुछ प्राप्त हो जाए। तो नाग पत्नियां कहती हैं भगवान आप आज्ञा करें, हम आपकी सेवा करें। और असल में नाग पत्नियां उस प्रेम तक तो पहुंची नहीं, बीच बीच में जो प्रेम के बाद उनके द्वारा आई ये तो भगवत कृपा से उनके अंदर स्फुरित हो गई बात। ये मुच्यते सर्वतो भयात, ये कामना बनी हुई है ना कि हम भय से मुक्त हो जाएं। तो बोली महाराज आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, आपकी सेवा करने वाला ये सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। तो आप आज्ञा दे हम सेवा करें तो हम भी भयों से मुक्त हो जाएं, यही कहा ना। प्रेमियों को भय नहीं रहता, वो तो भय विषाद के राज्य से बाहर चले जाते हैं, जहाँ भय नहीं, शोक नहीं, विषाद नहीं, और इनके मूल के काम क्रोध लोभ आदि नहीं। वो जो परम दिव्य प्रेम रसधारा जहाँ बहती रहती है, इस प्रकार के दिव्य साम्राज्य में पहुंचे हुए जो लोग होते हैं वहाँ भय की कल्पना नहीं है। लेकिन अभी इन बिचारियों को दिख रहा है कि ये तो मुमूर्षु है, अभी तक भी हिलडोल नहीं सकता वो, तो उसकी ओर देख करके कहने लगी कि महाराज आज्ञा करो हम सेवा करें, क्योंकि आपकी सेवा करने से ही सेवा करने वाले भय से मुक्त होते हैं। इस प्रकार जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो भगवान ने दया करके उसे छोड़ा है।